मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, तुम जब तक बर्तन धो। ठीक है। हेलो। हाँ जी, कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका प्यारा पड़ोसी। क्या काम है आपसे? क्या काम होगा, वो मैंने आपको कुछ दिनों से देखा नहीं था, तो देखने का बड़ा दिल था, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप छत पर आ जाती तो। बदतमीज। ये पड़ोसी की कॉल मेरे फोन पे क्यों आ रही है? पता नहीं। हेलो, आपने बदतमीज हस्बैंड को समझा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बीवी को फोन करके कहता है कि काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं है, छत पर आ जाओ। इन्होंने ऐसा कहा? जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कितनी देर पहले फोन आया था? यही कोई 15-20 मिनट पहले। अरे 15-20 मिनट में तो भाभी धूप में चल के कोयला बन गई होंगी। उनसे कहिए नीचे उतर आए। फोन भी किसकी बातों में आ जाती है, ये तो किचन में बर्तन धो रहे हैं। पड़ोसन भी कितनी बेवकूफ है। वादा करो तुम हर दुख में मेरा साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। वादा करो तुम हर मुश्किल में मेरा साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए मेरी एक आवाज में दौड़े चले आओगे। मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी एक आवाज में दौड़ा चलाऊंगा। ठीक है तो अब जाओ। क्यों? अभी ना तो कोई मुझे दुख है ना कोई मुश्किल है, जब होगा तब आवाज दूंगी, दौड़े चले आना। हाँ ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आज से कहीं भी जाओगे मुझे बता के जाओगे, ठीक है? अगर ना बताऊं तो मेरे प्राण नाथ, आपके प्राण अनाथ हो जाएंगे। रुको जरा, सबर करो। मैं कहीं भी जाऊंगा बता के जाऊंगा। जहां भी जाओगे बता के जाओगे। सुनो, जा रहा हूँ। हाँ कहाँ? नहाने जा रहा हूँ। अरे अब इतना भी नहीं बताना, घर में कहीं भी जा सकते हो बिना बताए। मैं घर में भी कहीं जाऊंगा तो बता के जाऊंगा। क्यों? ताकि मेरे प्राण के बगल में नाथ ही लगा रहे, अनाथ ना लग जाए। नहाने जा रहा हूँ। अरे आप कब आए? 35 साल हो गए इस दुनिया में आए थे मुझे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। ये थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ यहाँ कब आए? जस्ट नाउ, अभी अभी। अच्छा आज मैं क्या सोच रही थी कि मैं कितनी नसीब वाली हूँ ना, मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके मुझे आप जैसे पति मिले। ये तो है क्या? अच्छा आपको नहीं लगता कि मुझ जैसी छोटी हाइट वाली लड़की से शादी करके आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा है? गुड क्वेश्चन। ना ना ना, देखो ऐसा होता है ना, जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना बढ़िया है।